हाय गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं हम एक बहुत ही हार्डी प्लांट के बारे में। ये एक बिगनर्स प्लांट भी है। पाम फैमिली को ये प्लांट बिलोंग करता है और इसका नाम है बैम्बू पाम। कुछ विशेषताएं इस प्लांट के बारे में। ये प्लांट कुछ हद तक हवा को साफ़ करने में मदद करता है, साथ में इट्स अ ऑक्सीजन रिच प्लांट। तो इफ़ यू कंपेयर इट विद दी अदर प्लांट्स, इट गिव्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको हफ्ते में एक दिन कम से कम एक घंटे का इसे डायरेक्ट सनलाइट देना पड़ेगा। इट्स एन पेरिनियल प्लांट, 12 महीने का पौधा है ये, और ग्रोथ भी इसकी 12 महीने ही रहती है, बट इन विंटर्स कंपैरेटिवली ग्रोथ स्लो रहती है इफ़ यू कंपेयर इट विद द समर्स और द रेनी सीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे सनलाइट के ऊपर। तो आप अपने टेरेस पे इस प्लांट को वहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। ये एक शेड लविंग प्लांट है, तो आप इसे टेरेस पे वहाँ प्लेस करें जहाँ आप इसे ब्राइट लाइट दे पाएँ, पर डायरेक्ट सनलाइट की इस प्लांट को नीड नहीं है। अब बात करते हैं पानी के ऊपर। तो आप इस प्लांट को दिन में एक बारी, सुबह दोपहर शाम जब आपको टाइम लगे, आप एक बारी पानी इस प्लांट को ज़रूर लगाएंगे। तीसरा बात करेंगे पेस्टिसाइड के ऊपर। तो थ्रू आउट द ईयर हमने इस प्लांट पे किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक नहीं देखा है, तो हम किसी भी तरह के पेस्टिसाइड नीम ऑयल का इस प्लांट में यूज़ नहीं करते हैं। चौथा बात करेंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो हमारे पास ये प्लांट 2 साल से है। एल्चापार्ट विंटर इस प्लांट की ग्रोथ हमारे पास हमेशा सही रही है, और पिछले 2 सालों में हमने इस प्लांट में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। अब कॉस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो 2 साल पहले ये प्लांट मैंने बाय किया था 50 रुपीज़ में, बट उस टाइम इस प्लांट की हाइट थी 1 फीट। अभी ये इस प्लांट की हाइट है लगभग 5.5 फीट। तो अगर आप इस हाइट का प्लांट लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको 200 से 250 रुपये का मिलेगा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप छोटी हाइट का ही प्लांट लीजिए, एक न्यू प्लांट लीजिए, जिससे वो आपके टेरेस में, आपके टेरेस के इकोसिस्टम के हिसाब से ग्रो हो। अब बात करते हैं सॉइल के ऊपर। तो आप इस प्लांट को नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा सकते हैं। आपको इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र या कोई और फैंसी स्टफ़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में अभी इतना ही। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।